टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये बेबी मंकी कैप। हमें हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैप नहीं पहनते हैं, बिल्कुल भी हटा देते हैं। अगर हम उनको बांधने वाली कैप बनाएं तो वो इरिटेट होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए ये मंकी कैप बहुत बेस्ट रहती है। तो देखिए यहाँ पर ये दो तरह से यूज होती है, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी किस तरह से यूज़ होती है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 2x2 का बॉर्डर बनाया हुआ है। ये देखिए दो उल्टे दो सीधे का ये जो रिब बनाई है, इससे क्या होता है कि हमारे जो पैटर्न है ना उसमें स्ट्रेचबिलिटी आ जाती है, ये इलास्टिसिटी आ जाती है। देखिए कितना स्ट्रेच हो रहा है। ये देखिए 3.5 साल तक के बच्चे को ये बहुत आराम से आएगी, और 1 साल से 1.5 साल से 3.5 साल के बच्चे को ये बहुत अच्छे से आएगी। अगर आप इस मेजरमेंट से बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैप आपको कैसी लगी। ये देखिए, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रखी है, जिससे कि ये बच्चे के नेक वार्मर का भी काम करें, उसके आराम से चेस्ट तक आ जाएगा ये। तो देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। आगे मैंने इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है। मंकी कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है ये बेबी वूल, ये वर्धमान की बेबी वूल है, क्रीम एंड ब्लैक कलर। और 8 नंबर की मैंने यहाँ पे निडल यूज़ की हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे धागे को डबल करके यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए फिर, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब इस कैप को बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे स्टिचेस लिए हैं, 86 स्टिचेस लिए हैं, ठीक है। 86 फंदे मैंने डाल के, देखिए मैंने ब्लैक धागे से बनाया है, और ये धागा बहुत मोटा लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए ये नॉर्मल वूल ली है, ये मैंने यहाँ पे वर्धमान की नॉर्मल वूल है, और इस वूल को मैंने डबल कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैं दो गोले एक साथ चला रही हूँ, जिससे कि ये मोटे हो गए हैं, थिक हो गए हैं। और देखिए 8 नंबर की मैंने ली है यहाँ पर निडल। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 86 फंदे डाल के मैंने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे की ये रिब बनाई है। ये देखिए 8 सिलाइयाँ मैं ये ले चुकी हूँ। ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे की ये रिब बनाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ और बना के। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ मैं यहाँ ले चुकी हूँ। अब देखिए 8 सिलाइयाँ लेने के बाद मैं यहाँ पे अपना सेकंड कलर ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 धागे एक साथ किए हुए। अब सेकेंड कलर के लिए मैं यहाँ पर ये क्रीम कलर की वूल यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए अब क्रीम कलर की वूल भी मैं वही करूँगी सेम। ये देखिए मैंने ये 2 गोले ले लिए हैं, और ये देखिए इन दोनों धागों को एक साथ, थोड़ा मोटा 4 प्लाई की वूल है, इनको थोड़ा थिक करके तब ही बनाऊँगी, क्योंकि ये ना थोड़ा सा गफ होता है, बहुत अच्छा लुक देता है। अब देखिए किस तरह से 8 नंबर की मैंने यहाँ निडल यूज़ की है, सॉरी ये 9 नंबर की है। ये देखिए अब इसके बाद ये देखिए 2 सीधे और 2 उल्टे लिए हैं। ब्लैक कलर में शायद आपको दिखाई नहीं देता है, दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए 2 सीधे मैं इसको यहाँ पे बाद में गांठ बांध लूँगी, धागा आगे करके। ये देखिए मैंने 2 सीधे बुन लिए, अब देखिए धागा आगे करके मैं यहाँ पे बुनूँगी 2 उल्टे, फिर धागा पीछे जाएगा, 2 फंदे सीधे हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, देखिए फिर से 2 फंदे उल्टे, ये देखिए फिर से धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। ये धागा मेरा डबल चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये धागा डबल चल रहा है। ये देखिए धागा आगे करूँगी अपनी तरफ, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुनूंगी,
2 × 2 की मैं रिब बुनूंगी यहाँ पे। इसी तरह से मैं ये दो सिलाइयाँ बनाऊंगी। आगे मेरा पैटर्न यही रहेगा, 8 सिलाइयाँ मैं काले धागे से बनाऊंगी और 2 सिलाइयाँ मैं क्रीम कलर के धागे से बनाऊंगी। इस तरह से मैं बच्चे के नेक पार्ट कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर आगे ये फेस की कटिंग किस तरह से देनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, करीबन 6.5 से 7 इंच के आसपास मैं बनाऊँगी। उसके बाद फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ये इतना बना के रख लिया है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, मेरे बच्चे के नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये नीचे का पार्ट है नेक का। तो अब हम इसकी लंबाई मेज़र कर लेते हैं कि मैंने इसकी लेंथ कितनी रखी है। ये देख लीजिए, मैंने इसकी लेंथ 7 इंचेस रखी है यहाँ पे, यानी कि 7 इंच। और ये मैंने 8 सिलाइयाँ मैंने ब्लैक से बुनी है और 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे यहाँ क्रीम कलर से बुनी है। तो इस तरह से 1 2 3 4 फोर लाइंस मैंने यहाँ निकाली। इसके बाद मैंने ये 4 सिलाई ब्लैक कलर के धागे से बुनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए, यहाँ पे मैंने 80, मतलब यहीं बस देखने वाली बात है, यहाँ से तो बस सीधा सीधा मैंने बुना है, 86 फंदे लेकर 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाया है। यहाँ पे मैंने नीचे 86 फंदे डाले और उसके बाद 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे की रिब बनाई है। और ये वाला बॉर्डर अगर आपको नहीं आता है तो मैंने मेरे चैनल पर इसका फुल वीडियो किया हुआ है डिटेल से, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मेरे ओल्ड वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ये जो हमने 86 फंदे लिए हैं इनको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स में अगर हम 28 28 28 करते हैं तो हमारे पास 84 फंदे हो जाते हैं। ठीक है, 84 बचते हैं 2। तो हम क्या करेंगे कि बीच में 2 फंदे हम एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि 28 28 बीच में हम रखेंगे 30। तो साइड से हम रखेंगे 28 28, बीच में हम जो कर रखेंगे वो रखेंगे 38। तो पहले मैं यहाँ पे ये देखिए 28 फंदे बुन लेती हूँ। ये देखिए सिंपल इस तरह से बुना है। धागे को मैंने यहाँ पे डबल किया हुआ है, नॉर्मल वूल है मेरी। ये देखिए 2 वूलें मैं एक साथ चला रही हूँ, ये देखिए, जिससे कि ये थोड़ा गफ आए और बच्चे को बहुत आराम से बने और बच्चे के लिए वॉर्म भी हो। ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे, ये देखिए 28 फंदे हमारे हो गए हैं। काउंट कर लेते हैं हम, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28। अब ये देखिए, हमने 28 फंदे बुनते हुए हम यहाँ तक आ गए। अब हमने करना क्या है, 30 फंदे हमें यहाँ पे बंद करने हैं। वो देख लीजिए किस तरह से करने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से। ये देखिए 2 का 1 करेंगे, फिर से हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये किया हमने, फिर हमने यहाँ पे बुना, इसको 2 का 1 किया, फिर हम यहाँ पे बुनेंगे 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से फंदे कम हो रहे हैं हमारे, और इनको हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, लूज़ ही करेंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे हम 30 फंदे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से, ये ब्लैक कलर में आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, ये देखिए गाइस कैसे दिखाऊं। देखिए इस तरह से,
30 फंदे हम इस तरह से बंद कर देंगे। और फंदों को इस तरह से बंद करना मैंने मेरे चैनल पे दिया हुआ है, अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे देख लीजिए, इसका सेपरेट वीडियो किया हुआ है मैंने। देखिए इसके बाद हम काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने फंदे हैं यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 हैं हमारे पास यहाँ। अब देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1 मिनट, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 और एक ही 28। ये देखिए अब हमने यहाँ पे ये देखिए बीच में ये जो पार्ट है बंद कर दिया, यहाँ पे हमने 30 फंदे बंद कर दिए, ये देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बुनते हुए जाएंगे। वो देखिए किस तरह से धागा आगे जाएगा हमारा, क्योंकि ये फंदा हमारे पास उल्टा है तो धागा आगे जाएगा, हम यहाँ पे उल्टा फंदा बुनेंगे। ये देखिए वही जो हम सीरीज से बुनते चले आ रहे हैं, दो उल्टे दो सीधे, वही हम इस पूरी रो को बुनेंगे। देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहां तक बुनते हुए आना है हमने पहले। ये देखिए यहाँ तक हम बुनते हुए आए, अब ये हमारे अलग अलग हो गए। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अब आप अगर चाहें, अगर आप और बड़े बच्चे का बना रहे हैं, ये तो 3 साल 3.5 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा, अगर आप और बड़े बच्चे का बना रहे हैं या किसी बड़े जने का बना रहे हैं जैसे कि एडल्ट साइज़ बना रहे हैं, तो आप यहीं से बैक हो जाएं और 2 सिलाई या 4 सिलाई थोड़ा सा एरिया यहाँ पे इतना बुन लें, ठीक है, इतना एरिया बुन लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंदे बढ़ाएं, जैसे कि मैं अभी बढ़ाने जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अब हमने करना क्या है यहाँ पे, अब मैं तो बच्चे का बना रही हूँ तो यहाँ पे ऐसे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो अब हमने देखिए करना क्या है, इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिएगा ध्यान से, जितने फंदे हमने घटाए थे उतने फंदे हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 फंदे हम यहाँ बढ़ा लेंगे, 9। ये देखिए मैंने यहाँ पे 30 फंदे बढ़ा लिए हैं, काउंट कर लूँ, वैसे तो मैंने 30 फंदे पूरे बढ़ा ही लिए हैं। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है कि जस्ट यहाँ से जैसा आपका बना हुआ है, देखिए दो सीधे हैं यहाँ पे हमारे पास, ये देखिए इस पे देख लीजिए, तो दो सीधे हम यहाँ पे बुन लेंगे, 1, 2। अब देखिए यहाँ पे हमें पूरी रो इसी तरह से बुननी है, और आगे भी हमें जिस तरह से हम ये पार्ट बुनते चले आए हैं उसी तरह आगे भी हमें बुनना है। अब देखिए यहाँ पे
मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई कटिंग दी है सिर्फ, और कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनाई है। आप चाहें तो यहाँ पे दो दो लाइन एक्स्ट्रा बना सकते हैं, उसके बाद ये फंदे उठा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैं बुनती हुई आ गई। अब ये वो फंदे हैं जो हमने बढ़ाए थे, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, दो उल्टे, अब सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे दो सीधे फंदे बुनने हैं। सेम वही करते जाना है इन फंदों को। देखिए दो फंदे हमने सीधे लेने हैं, बहुत आराम से करना है क्योंकि यह हमने फंदे उठाए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी फंदों को उठाने में। देखिए एक सीधा लिया हमने, सलाइयाँ मोटी हैं तो थोड़ा इस वजह से। ये देखिए सीधा धागा आगे किया, उल्टा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा और सीधा लेना है अभी हमें, एक ले लिया है हमने। देखिए दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, इसी तरह से हमें इन सभी फंदों को बुनना है। देखिए बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, दो फंदे हमें यहाँ पे सीधे बुनने हैं। इस तरह से आप उठाइएगा फंदे को और फिर अंगूठे से इस तरह से दबा के इस तरह से ले लीजिएगा, अगर इस तरह से आपको ना मतलब सिलाई में ना आए तो, क्योंकि हमने ये फंदे भरे हैं इसलिए इस तरह से। ये देखिए अब ये दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब ये देखिए वही सेम हमने दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे कर लिए हैं इनको। अब जैसा है हम वैसा ही बुनते चले जाएंगे, जिस तरह से हम स्टार्टिंग से बुनते हुए आए हैं यहाँ पे। देखिए पूरी इसी तरह से पूरी रो निकालेंगे हम ये। ये देखिए यहाँ से मैं बुनती हुई यहाँ तक आ गई। फिर से हम वही इन फंदों को दो उल्टे, और ये देखिए दो सीधे, फिर से दो उल्टे, दो सीधे, इसी तरह से अभी हम अपनी डिजाइन के साथ कंटिन्यू करते जाएंगे। और एक चीज़ और आपको खास ख्याल रखना है कि ये देखिए ये जो मैंने पार्ट बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मैंने बेसिक साइज बनाया है, अपने बच्चे के नाप का बनाया। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर और क्योंकि हर किसी के बच्चे का थोड़ा जो नेक पार्ट है और से हेड पार्ट है वो थोड़ा अलग अलग होता है साइज, तो ये मैंने लंबा इसलिए रखा है क्योंकि ये बच्चे के नेक वार्मर का काम करेगा। और देखिए ये 2x2 का मैंने डिज़ाइन इसलिए रखा था, ये देखिए एक स्ट्रेचेबिलिटी का काम करता है, तो ये आराम से 4-5 साल तक हमारे बच्चे को आराम से आएगा 4 साल तक। और दूसरी चीज़ आपको मुझे एक और बतानी थी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे धागे को डबल करके फंदे डाले हैं 86, अगर आप सिंगल ऊन से बनाना चाहते हैं, ठीक है, मैं भी सिंगल से ही बनाती हूँ बट मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा और गफ बनाना था तो मैंने यहाँ डबल धागा कर लिया। अगर आप इसको सिंगल धागे से बनाना चाहते हैं तो ये कैप आपको 2 से 2.5 साल, 2 साल के, 1 से 2 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा, ठीक है। 2 साल तक के बच्चे का साइज़ ये बन जाएगा, और अभी आपने डबल किया तो ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप इसी तरह से सिंगल, अगर आपको इसी साइज का 3 साल तक के बच्चे का बनाना है तो आपने करना क्या है कि सिंगल धागे से अगर आप 86 फंदे डाल रहे हैं तो उसमें आप 20 या 15 फंदे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप 86 के 100 फंदे डाल लीजिए, ठीक है।
अगर आप 3 4 साल तक के बच्चे का बनाना चाहते हैं तो आप 86 की जगह आप 100 या 100 to 2 फंदे डाल लीजिए, 10 या 15 फंदे ज़्यादा डालिए। और थोड़े छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो 10 मैंने 86 फंदे डाले हैं, आप 76 फंदे डाल लीजिएगा, तो 6 to 12 मंथ के बच्चे को बहुत आराम से आएगा। तो ये तो था मेज़रमेंट। और आप अब देखिए, मैं इसको यहाँ कंटिन्यू करती जाऊँगी और इसका जो हेड पार्ट है, मैंने यहाँ नेक पार्ट बना लिया, अब मैं इसके ऊपर हेड पार्ट बनाऊँगी। ठीक है, जितना भी होगा वो मैं पहले से कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद आपको मेज़र करके बताऊँगी कि मुझे ये मैंने ये कितना बनाया। उसके आगे जो भी करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो ठीक है, फिर मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इतना ये कंप्लीट करके रख लिया है। ये देखिए, अब मैं आपको इसका बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये कितना बनाया है। तो मैं इसको मेज़र करके बता देती हूँ। पहले तो मैंने ये आपको बता दिया था अभी कि ये मैंने बनाया है 7 इंचेस, या कट, ये जो कट लगाया है मैंने, इससे पहले का पार्ट है 7 इंच। एंड देन कट के बाद मैंने यहाँ पे बनाया है ये देखिए 4 इंच। ये देखिए, करीबन 4 इंच मैंने कट के बाद बनाया है, 4.25 मान लीजिए। अब इसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे कि हमें आगे क्या करना है वो देख लीजिए आप। बस यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, अदरवाइज़ बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए, हमने क्या करना है कि हम जैसे बुनते चले आ रहे थे, सबसे पहले तो हम वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए, फिर एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे हमने उल्टे लिए, फिर ये हमने 2 फंदे सीधे लिए। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, ये हम यहाँ पे 6 फंदे बुन चुके हैं। ये देखिए, 2 4 6, इसके बाद हमें धागा आगे करके जो उल्टा फंदा दिख रहा है, इनको 2 का 1 करना है। ठीक है, यहाँ हमें फंदा घटाना है, फिर धागा पीछे ले जाना है, 2 का 1 किया हमने, फिर हमने ये 2 सीधे बुने, 2 3 4, 2 4 6, ये देखिए यहाँ हमने घटाया, 2 4 6 फंदे हमने फिर बुने, फिर धागे आगे किया और यहाँ पे हमने बना लिया 2 का 1। मतलब कि यहाँ पे हर 6 फंदे के बाद हमें 2 का 1 करना है। 6 फंदे हमें सीधे बुनने, मतलब अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनने हैं, उसके बाद हमें 2 का 1 करना है। ये देखिए, 2 3 4 5, और ये देखिए 6, फिर धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हमें पूरी लाइन बनानी है, ओ सॉरी, 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, ये देखिए 2 फंदे हैं, इनको 1 करेंगे, यहाँ घट गया धागा पीछे, 6 फंदे बनेंगे, 1 2 3 4 5, और ये बुनिया हमने 6। ये देखिए, अब धागा आगे करके हम करेंगे 2 का 1। अब इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है, तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी देखिए, लास्ट में आ गए और हमने यहाँ पे ये देखिए 2 का 1 किया, 2 का 1, अब धागा पीछे, अब ये हम 6 फंदे बुन लेंगे। अब देखिए, अब हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड हमें पूरी रो जैसी है वैसी ही बुननी है, जिस तरह से हम बुनते चले आए हैं। पहला फंदा स्किप करके 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे सीधे, फिर ये 2 फंदे उल्टे, उसके बाद ये देखिए 2 फंदे जो हमने उल्टे फंदों को 2 का 1 किया था, वहाँ अब हमारे पास 1 रह गया है फंदा। ठीक है, 2 का 1 कर लिया था, तो बैक साइड से ये फंदा हमारे पास सीधा आ रहा, तो एक फंदा हमने यहाँ सीधा बुन लिया, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, मतलब हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही बुनना है इसमें। ये देखिए, फिर से बैक जाएंगे तो ये एक फंदा सीधा है, क्योंकि हमने पिछली लास्ट फ्रंट साइड से जो हमने सिलाई निकाली थी उसमें 2 फंदे उल्टे हैं, उनको सीधा किया था, 2 का 1 किया था,
ये देखिए पूरी रो में इसी तरह साइड से मैंने रो कंप्लीट कर ली है, और जैसा फंदा हमें जैसा दिख रहा था उसी तरह से किया है। अब देखिए हम नेक्स्ट फ्रंट साइड पे आ गए, तो फिर से अब हमें ब्लैक कलर का धागा लगाना है अपना। और अब हमें क्या करना है वही देख लीजिए कि फिर से एक दो धागा आगे करूंगी, तीन चार और ये पांच। पहले हमने 6 फंदे बुन के 7वें फंदे पे 2 का 1 किया था, अब हमने क्या करना है 5 फंदे बुनने हैं, 6वें फंदे पे 2 का 1 करना है। देखिए किस तरह से करना है, ये देखिए 2 का 1 धागा पीछे ही रहेगा, यहाँ सीधा फंदा है तो सीधा ही बुनेंगे, 5 बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब उन्हें फिर से 2 का 1 करना है, ये देखिए 1 2 3 4 5। इसी तरह से हमें पूरी रो को कंटिन्यू करना है, हर 5 फंदे के बाद 2 का 1 करना है। तो मैं इसको कर लेती हूँ कंप्लीट, और पीछे से मैं रॉन्ग, वही देखिए 5 फंदे बुनने के बाद 1 फंदा घटा दिया, फिर हम ये 5 फंदे बुनेंगे, 4 और ये 5, और लास्ट में एक जो बचा उसे भी हम बुन लेंगे। इस तरह से धागा पीछे करेंगे रॉन्ग साइड से, जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही बुनेंगे, स्किप करने के बाद जो फंदा जैसा दिख रहा है पूरी रो हमें वैसी ही निकालनी है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह से। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, ये देखिए लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम फ्रंट साइड से आ गए, अब हमने क्या करना है देख लीजिए, 1 2 3 और ये 4। अभी देखिए यहाँ पे 4 फंदे हमारे पास हैं। अब हमने पहले 6 फंदे बुन के फिर 1 घटाया था, फिर 5 फंदे बुन के फिर 2 का 1 किया था, अब हम 4 फंदे बुन के 2 का 1 करेंगे, देख लीजिए इस तरह से। ये देखिए फिर से हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, और पूरी रो हम इसी तरह से निकालेंगे। ये बीच में से फंदा फट गया। अब ये देखिए 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, ये देखिए इसी तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस रो के लास्ट में आ गए, 1 2 3 और ये 4, देखिए लास्ट में मैं ये 2 का 1 कर दूंगी। और रॉन्ग साइड से जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है हम हर सिलाई पे वैसा ही बुनते जाएंगे, तो अब मैं नेक्स्ट रॉन्ग साइड अब हर बार बुन लिया करूंगी, ठीक है। देखिए मैं फिर से फ्रंट साइड पे आ गई हूँ, रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा था मैं वैसे ही बुन लिया है। अब ये देखिए फ्रंट साइड पे 1 2 धागा आगे करेंगे, उल्टा बुनेंगे, 3, देखिए अब हम 3 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे 2 का 1 करेंगे,
ठीक है, देखिए किस तरह से, सॉरी, तीन बुनने के बाद दो का एक करेंगे, एक, ये देखिए इस तरह से, बाद हम दो का एक करेंगे, फिर एक दो और ये तीन, धागा पीछे, दो का एक, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर ये पीछे से ही दो का एक करेंगे, ये देखिए दो फंदों को लेके एक बना देंगे, लेकिन पीछे से एक दो और ये तीन, दो का एक। देखिए डबल कलर होने की वजह से और चार चार वूल होने की वजह से कैसे वूल का जाल बन जाता है यहाँ पे। अब देखिए इसी तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी, तीन बुनूँगी उसके बाद दो का एक, तीन बुनूँगी दो का एक, और इसके बाद फिर रॉन्ग साइड से भी मैं बुन लेती हूँ, और जो फंदा जैसा दिख रहा है उसी तरह से मुझे बुनना है। मैं रॉन्ग फ्रंट साइड पर आ गई, रॉन्ग साइड की रो कम्प्लीट कर दी है मैंने। अब देखिए यहाँ पर अब हमने करना क्या है, देखिए पहला फंदा सीधा है, दूसरा भी सीधा है, उसके बाद हमें अब यहाँ पे घटाना है, ये देखिए इस तरह से दो फंदे बुने, एक फंदा घटाना। पहले हमने छह किया, फिर पांच बुने, फिर एक घटाया, फिर चार बुने, फिर एक घटाया, और दो का एक किया, और उसके बाद तीन बुने, फिर दो का एक किया। अब हमें दो बुनने हैं और दो का एक करना है। देखिए अब फिर से हम दो बुनेंगे, एक दो, और फिर से हम दो का एक करेंगे, देखिए पीछे से फिर से दो बुनेंगे, एक दो, और फिर से हम दो का एक करेंगे। इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे इस सिलाई को, और पीछे से हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है हम उसे वैसा ही बुनेंगे, एक दो। तो इस रो में हमें दो फंदे बुनने हैं, फिर दो का एक करना है, दो फंदे बुनने हैं, फिर दो का एक करना है। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी देखिए मैं रॉन्ग साइड आ गई हूँ, और रॉन्ग साइड पे हमने यहाँ पे दो फंदे फ्रंट साइड पे बुन के और दो का एक किया था, उसके बाद हमारे पास रॉन्ग साइड पे ये देखिए सारे फंदे अब उल्टे उल्टे आ गए हैं, पूरी रो हमारे पास अब उल्टी आ गई है। देखिए हमें सारे फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर आप इसी मेज़रमेंट से इसी तरह से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए पूरी रो मैं उल्टी निकाल लूँगी इसी तरह से, देखिए फ्रंट साइड आ गए। अब हम अपना कलर चेंज करेंगे। अब देखिए हमने करना क्या है, एक बुनना है और दो का एक करना है, ठीक है, एक बुनना है हमने, एक बुना, और यहाँ पे हमने ये दो का एक किया, सीरीज से डिक्रीज करेंगे हम, ये देखिए फिर से एक बुनेंगे और दो का एक करेंगे, देखिए इस तरह से फिर से एक बुनेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, इसी तरह से हम पूरी रो को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए बिल्कुल। अब हमने क्या करना है ये देख लीजिए, अब हमें हर फंदे को दो का एक करना है, ये देखिए दो फंदे हमने एक कर दिए, ठीक है, हर फंदे को दो का एक करना है, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुननी है। हर दो फंदे को एक करना है, हर दो फंदे को,
अब रॉन्ग साइड पर आ गए हम, रॉन्ग साइड को पूरी रो हम इसी तरह से उल्टी बुन लेंगे। बस इसके बाद हम ये कैप अपना बंद कर देंगे। और बंद कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, पहले तो मैं यहाँ पर, ये देखिए अब हम यहाँ फ्रंट साइड पे आ गए। अब हमारे पास यहाँ इतने से फंदे रह गए, 2, 4, 6, 8, 10, 11। अब हमने क्या करना है, इन सभी फंदों को सुई में डाल लेना है। देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है, देखिए क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। सभी फंदों में से एक एक करके हमें ये नीडल निकाल देनी है। ये देखिए अब हम यहाँ से सिलाई निकाल देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ ये सर्कल बन के आ गया। अब हम इसे थोड़ा टाइट कर देंगे, उसके बाद हम इसे फिर से राउंड राउंड इनसे डबल दोबारा से निकाल लेंगे। ये देखिए एक राउंड और लगा लेंगे हम यहाँ पे। देखिए इस तरह से, और इसे टाइट कर देंगे एकदम से। यहाँ देखिए शायद आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर है ये। अब हमें जस्ट उल्टा करके इसको पूरा यहाँ से लेकर, ये देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक स्टिच कर देना है। पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक ये वाइट कलर की लाइन से लाइन मिलाते हुए सिल दूंगी। सिलने का अपना अपना अलग तरीका होता है सबका, तो आप अपने अनुसार सिलिएगा जैसे आप सिलते हैं। तो मैं इसे सिलने के बाद कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये कैप सिल लिए यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसे सीधी कर लेते हैं। वाओ बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए इसका सर्कल जहाँ से हमने ये बंद किए, देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छे से ये सर्कल बन के आया है, कितनी सफाई से ये बंद हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ये जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा, ये बड़ा बनाया है क्योंकि ये जो है यहाँ पे बच्चे की नेक वॉर्मर का काम करेगा। आप चाहें तो इसे 4 इंच के समथिंग बना सकते हैं, 4 या 5 इंच, लेकिन मैंने यहाँ 7 इंचेस बनाया है क्योंकि यहाँ पे ये जब फैलेगा तो ये बच्चे के नेक वार्मर का काम करेगा। और ये देखिए देखने में ये बहुत ही पतली सी, बहुत ही मतलब ऐसी लगती है कि वो छोटे बच्चे को आएगी, लेकिन ये देखिए इसमें स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है। और यहाँ पे हमने ये 2x2 का बॉर्डर, ये रिब इसलिए बनाई है क्योंकि ये खुल के बहुत स्ट्रेचेबल हो जाता है। ये देखिए बहुत स्ट्रेचेबल हो जाता है। बाकी मैं यहाँ पे पिक इंसर्ट कर दूंगी कि ये बच्चे के ऊपर कैसी लग रही है बनने के बाद। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगती है ये, देखिए कितनी स्ट्रेचेबिलिटी है। और इसका साइज ये आराम से 3, 3, 3.5, 3.5 साल के बच्चे को बहुत आराम से आएगी, बहुत अच्छे से आएगी। आप चाहें तो यहाँ पे एक पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और चैनल के और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन का आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। और फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक।